आप सभी को जय सिया राम। अभी हम माँ मंदाकिनी के तट पे हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये माँ मंदाकिनी की कलकल धाराएं बह रही है। और माँ मंदाकिनी गंगा है और एक पवित्र धाम है और इसी नदी के किनारे संत लोग रहते हैं और ये एक बिहार जंगल है आप देखिए। और इसी बिहार जंगल में संत लोग रहते हैं और हम माँ मंदाकिनी को प्रणाम करके जाएंगे संत जी का कुटिया देखने। और वो कुटिया टूटी फूटी रहती है और उसी कुटिया में संत लोग रहते हैं किसी तरह से, तो हम वो दर्शन करवाएंगे। सबसे पहले माँ मंदाकिनी जी का दर्शन करने के बाद अब हम इस प्रकृति को देखते हुए अब हम जाएंगे कुटिया और वहाँ दर्शन करेंगे फिर शंकर भगवान का और कुटिया का। माँ मंदाकिनी जी को प्रणाम करते हुए और माँ मंदाकिनी के तट पे अभी शंत भगवान के कुटिया में आ गए और बगल में माँ मंदाकिनी की कलकल धाराएं अभी बह रही है और बारिश का समय है और इसमें संत भगवान इसी कुटिया में रहते हैं। और इस कुटिया का बनावट आप देख ही रहे होंगे किस तरह से लकड़ी का बना हुआ है। जब बारिश होती है इसी में पानी आता है और इस कष्ट भरी ज़िंदगी को उसमें रहना और भक्ति करना, भजन करना, तपस्या करना और जीवन में सदा खुश रहना, ये हम संत से ही सीख सकते हैं और संत जी का ऐसे ही जीवन रहता है। तो सबसे पहले सीताराम प्रभु जी आपको सीताराम प्रभु जी, कोई संसाधन नहीं रहता है, कोई वस्तु नहीं रहता है, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, पैसा नहीं, फिर भी इतने खुश क्यों रहते हैं आप लोग? हम ये लोभ में पड़ते नहीं। अच्छा, ये लोभ से दूर है। ये करना था तो घर था, ये इसमें उतरे हैं तो इसमें लोभ क्या करना, हमें क्या चाहिए? हमको हमें खाली दो चाहिए, राम एक एक एक, एक फल बस। अच्छा, कुछ नहीं चाहिए हमको, सिर्फ राम नाम से प्यार है। बस राम नाम से। तो कब ऐसा प्यार राम नाम के प्रति हुआ? ये बचपन से हमारा नेम था। बचपन कितने वर्ष से? अरे हम जब 7-8 साल के थे तभी से हम शुरू किया। अच्छा, हाँ 8 साल से। हाँ 8 साल से कैसे शुरू हो गया? हनुमान जी की पूजा करते थे, जल चढ़ाते थे। हाँ। उसी से नेम बनता चला गया। तो फिर हनुमान जी हमको शिक्षा दी। तो फिर घर को कब त्यागे? घर हम अचित आते थे, आश्रम था घोरार मंदिर, आश्रम था, वहाँ सेवा करते थे। हमारे गुरु जी हैं उनकी सेवा में लगे रहते थे। धीरे 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 उनकी उनका महत्व हो गया तो हमको हम संन्यास दे दिए, तो संन्यास बना दिए, प्रयागराज में संन्यास लिया। तो शादी के बाद हुए? शादी नहीं किया, शादी नहीं किया उससे पहले। हाँ पहले, फिर बाद में हम यहाँ कुछ दिन रहे, फिर बाद में गुजरात चले गए। अच्छा, कुछ कंपनी में काम हम की। अच्छा, फिर अच्छा। मन वहाँ लगा तो नहीं। ये मतलब गुजरात कौन से एसपी में गए थे आप? वो दमन साइड पड़ता है। अच्छा, तब वहाँ बहुत बड़ी बात है, वहाँ गए तो वहाँ भी मन लगा। अच्छा। तो वहाँ से हम आए तो फिर प्रयागराज में कुंभ का मेला था, हम वहाँ संन्यास ले लिए। फिर वहाँ मतलब नौकरी किए, घर को देखे, संसार को देखे। हाँ, घर भी देखा, कहीं मन नहीं लगा, कहीं ना मन लगा। फिलहाल फिर प्रयागराज गए, गंगा जी किनारे गए तो वहाँ संन्यास लिया अपना। ये हमका ये सुनने से बेकार है, कोई मतलब के नहीं। तो अभी आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है, भगवान के भगवान के भजन में आनंद आता है। तो कभी घर जाने का मन करता है? नहीं नहीं, घर की कोई जरूरत नहीं, घर जाना था तो क्यों नहीं हम ये चीज़ करते। प्रभु जी, मोह माया क्या है फिर? मोह माया जो बंधन बंधा है उसके मोह माया है, और जो को नहीं बंधा तो उसके मोह माया को मन में नहीं है क्या है क्या नहीं है। अभी जैसे गृहस्थ जीवन में उसमें तो मोह माया ही परा रहता है। हाँ, जो गृहस्थ जीवन में है तो मोह माया ये हरा वृक्ष देखते रहते तो हरा हरा दिखाता है। अच्छा, अब और जो संत होते हैं तो उनको दो एक ही फल दिखता है, दो अक्षर दिखता है, वो अक्षर का ध्यान दे करके अपना मन रहता है, उसी में फल उसी की आशा है। अच्छा, उसी में पेट भर जाता है उसको देखते देखते। गृहस्थ जीवन में भक्ति करना और वैराग्य होकर के भक्ति करना, दोनों में क्या फर्क रहता है? गृहस्थ आश्रम में रह करके नियम का पालन करना पड़ता है।
जो नियम का पालन कर लिया तो भी वो सबसे बड़ा जीत आश्रम है। कठिन कौन सा होता है? कठिन कठिन तो गृहस्थ जीवन वाला कठिन होता है या विरक्त जीवन में जीना कठिन होता है? कठिनता दोनों है, गृहस्थ भी ये भी है, विरक्त भी। हाँ वो भी कठिनता है, वो साधारण नहीं है, उसको उसमें नियम पालन बहुत है। तो जीत आश्रम वाला कहाँ कर पाता है, कर कहाँ पाता है, वो करने में कठिनता है गृहस्थ में। गृहस्थ में कि कोई भूखा जाए उसको हाँ, खिलाओ हाँ। किसके दूध काढ़ो ना उसको देखो, कोई कोई पहुंच जाए उसको भी सम्मान करो। गृहस्थाश्रम बहुत गुण नियम है, तो कहाँ नियम का पालन कोई करता है? सब आज कलयुग है, कलयुग है, कलयुग में मनमानी है, छुआछूत, जहाँ ने तहाँ खाना, जहाँ ने तहाँ बैठना, जो जो चीज़ नहीं खाना उसको खाना, जो फल दिया तो नहीं खाते, जो नहीं दिया उसको खाते। तो कलयुग में कैसे जिया जाए एक गृहस्थ जीवन में? गृहस्थ जो बता दिया ना कैसे जीने का नियम का, ग्रंथ के हिसाब से जिए तो कल्याण होता है, ग्रंथ के हिसाब से जिएंगे तो दुख कहीं दुख होता ही रहता है। अच्छा, ग्रंथ के हिसाब से जिएंगे तो भगवान उसको सहारा देते रहते हैं। और प्रभु जी दुख क्यों आता है जीवन में? दुख हाँ, और सुख क्यों आता है? परंपरा का भूल जाते हैं तभी दुख आता है। क्या परंपरा? तो कुल रीति, कुल रीति को ध्यान नहीं देते, जो कुल में हमारे चलते थे उसको ध्यान नहीं देते, अपन मनमानी करते हैं तभी तो दुखदाई होता है। मनमानी क्या मतलब, कैसे इसको कैसे हम समझें, जो क्या हम करते हैं जब दुख जो कुल पूज करते हैं, कुल की पूजा, कुल की पूज, कुल पूज करना चाहिए पुरुष को, और संत को मानना चाहिए और भगवान को मानना चाहिए। गरीब को भूखा हो प्यासा हो उसको सेवा को देना चाहिए कुछ कुछ, तो ये कल्याण होता है, तभी सुखी होता है। अच्छा, तभी सुख होता है, अनुभव होता है उसको कि मैं कुछ कर किया हूँ, तभी उसको विश्वास होता है कि मैं गृहस्थ आश्रम रह कर कुछ कर रहा हूँ, और नहीं कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, और ये जंगलों में जीना और जंगल से नगर में जीना, दोनों में भक्ति करना कैसा सरल, मतलब दोनों में क्या फर्क है? जंगल में क्या है, एकांत, जो भगवान के भक्त होते हैं एकांत रहते हैं, भजन करने में उनको वो आता है, एकांत करने से उनका अनुभव मिलता है। और गृहस्थ आश्रम रह करके काल में जैसे क्या भया क्या भा हुआ तो वहाँ पे मन नहीं लगता, तो इसलिए एकांत चले जाते हैं भजन करने। एकांत का भावना है, एकांत होना चाहिए भजन करने का, कोई न सुना सुन हो तो भगवान में नहीं रहते, एक ही मन लगते कि फल। और जहाँ कान में इधर से कान गूंजा उधर से गूंजा तो भक्ति नहीं हो पाती वहाँ। अच्छा, तो हटना पड़ता है। आपके जीवन में कष्ट भी आया कभी? हाँ, कष्ट आते हैं चले जाते हैं, कहीं इच्छा ही है कहीं इधर कहीं उधर बस। तो किस टाइप मतलब कैसा कष्ट आया जीवन में, कभी हिम्मत भी हारे आप? अभी शुरू किए हैं, देखते हैं समय आगे बताएंगे। अच्छा, तो लेकिन आपने तो बहुत पहली बार आज्ञा ले लिया। हाँ, आज्ञा ले लिया तो हम अब आश्रम रहते थे, अभी हम जंगल को निकले नहीं। अच्छा, पहली बार निकला, आनंद आ रहा है हमको। हाँ, हम यह सोचा कि यहाँ से हम आश्रम रहते थे। हाँ, आश्रम में हम सेवा करते 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 अपने घर चले आए, बहुत सेवा गुरु जी की। हाँ, अब गुरु जी की आज्ञा लेने लगे धीरे। हाँ, धीरे अपने करने लगे। नशा में क्या नहीं बोलने लगते, क्या नशा समझे नहीं, जैसे मांस मंदिरा ये करते हैं और आकर के संतों के बीच में भड़बड़ाते हैं। ऐसे लोग बहुत कलयुग में कितने लोग हैं, यहाँ तो पूरे भारत में छा गए, यही नशा वाले बहुत छा गए एरिए, जहाँ देखो तो गृहस्थ आश्रम में अब ठिकाना नहीं है। अच्छा, गृहस्थ आश्रम इसके लिए थोड़ा भी ये भी है जो भ्रष्ट हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, तो उसका मुख्य कारण ये मांस मदिरा है। मांस मदिरा है। अच्छा, गृहस्थ जीवन में जो मांस मदिरा घर में होता है, हाँ, उस घर का क्या होगा? वही है भ्रष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। जहाँ भगवान का वास वहाँ नहीं रहता, जहाँ मांस मंदिर है तो भगवान का वास वहाँ नहीं रहता है, नहीं रहेगा। लेकिन ये बात लोग भक्तों का वास वहाँ नहीं रहता है, वहाँ माया उसको बांध देते, ऐसे बांध देते उसको, अहंकार छा जाता है, अहंकार में उसका माया इतना दे देते उसको, पागल रावण ऐसे पागल घूमता रहता है। अच्छा, जैसे है संपत्ति दे दी, कंपनी खोल दिया, कहीं कुछ खोल दिया, उसको पैसा में पगले रहेगा वो,
और पैसे के विषय में वो पैसे से पागल रहेगा, वो कुछ नहीं जानता। तो उसके मन में भक्ति क्यों नहीं आता है? भक्ति क्यों आएगा, वो उसने इतना दे दिया भगवान, भक्ति कहाँ आएगा? तो भगवान एक तो दे वो, लेकिन एक तो वो गलत भी करता है, तो भगवान उसको देते क्यों है फिर है? गलत भी करता है तो भगवान देते क्यों है? इधर एक भक्ति करता है उसको कुछ नहीं देते हैं भगवान क्यों? जो ग्रंथ में देख लो, क्या क्या जा जो ग्रंथ में देखो माया दे देते हैं भगवान तो उसी मोह जाता है। समझे नहीं आपकी बात। जो माया में मोह जाता है तो भक्ति कहाँ पाएगा वो? माया और भक्ति वही पाता है जो भजन ही करे और सेवा करे और गरीबों को मदद करे, तो वही भजन वही भक्ति पा जाता है पाएगा। नहीं सब कोई भक्ति थी पाने वाले दारू पीने वाले पा जाए भक्ति थोड़ा दो दिन के लिए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो चलता रहेगा, वो घमंड में चूर है अपने अहंकार में, अहंकार में। जैसे हरण कच्छप भगवान उसके हमने पहला भक्ति किया किया ध्रुव ने भक्ति किया किया ऐसे थे निकल गए। अच्छा राक्षसों के घर में या फिर जिसके घर में अन्याय होता है उसके घर में भक्त कैसे पैदा हो जाते हैं? उसकी उसकी जो है उसकी जो है मतलब उसकी पहली भक्ति थी तभी वो आकर वो घर में भक्ति बन जाते हैं। वो उनको आकर के तो वो उद्धार करने के लिए होते हैं, कोई उद्धार भी करते हैं, उद्धार करने जब राक्षस घर में हो जाते हैं उनको उद्धार भी करने के लिए भक्त हो जाते हैं, तो उनको उद्धार वही करते हैं, उद्धार हो जाता है। कोई हमारे घर से कोई भी संत हो जाए निकल जाए तो अपने परिवार का उद्धार हो जाता है। अच्छा वो कैसे प्रभु जी, मतलब घर में भगवान भगवान भक्ति से जिस माँ से कोख जन्म लिया और उसी कोख से भाई पैदा हुए हम भी पैदा हुए तो अंश तो होता ही है। जिस घर में भक्त पैदा हो जाते हैं ना वो घर में नशा पत्ती फिर नहीं चलता है, नहीं चल पाते हैं, सब दूर हो जाता है, फिर उतर जाते हैं। रावण घर में ऐसे हुआ ना, भभीषण भक्ति किया तो पूरा नाश हो गया, तो भगवान उतार दिया सबको। ऐसे होता है। और ध्रुव प्रहलाद, हाँ ध्रुव प्रहलाद तो तारने वाले यही यही लोग थे, जब भीषण प्रहलाद ध्रुव यही तारने वाले ऐसे तकते हैं। और कोई अगर मांस मदिरा करता है और भक्ति भी करता है तो फिर क्या होगा? वो तो उसकी कहानी अलग है, अलग कहानी है। तो फिर कुछ वो तो वो पाने के लिए कुछ करता है, किसी मेरे को संपत्ति और मिले, अबे दारू पी लिया महाराज पैसा दे दो, पैसा नहीं है। अच्छा, भी, वो भक्ति और भगवान से कहता कहीं जुगाड़ लग जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। अच्छा वो भक्ति करता है इसके लिए जो कुछ मिले, और कुछ मिले, वो मिले तो उसको मतलब लोभ है फिर, लोभ लोभ कुछ मिले। लेकिन किसी भी तरह भक्ति तो करता है, भक्ति करना किसी भी तरह से भक्ति तो करता है, फिर भगवान भी समझते हैं, भगवान समझ जाते हैं, समझ जाते कौन कैसा कर रहा है, कैसा हो रहा है, ऐसा तो होता है। अच्छा दुर्योधन के देखिए, पहले तो कुरुक्षेत्र में भगवान को बंधन बनाने के लिए फिरा, बंधन बनाने के लिए कोशिश किया, फिर जाए विदुर ने वो माँ मसुकुंडी ने कहा कि भगवान है ऐसे मत करो, तो फिर बाद में मीठा खिलाने का मन किया, तो भगवान नहीं आपके यहाँ मीठा नहीं खाऊंगा, वो जाकर मैं विदुर के यहाँ खाना खाऊंगा। क्यों ऐसा बोले? वहाँ विदुर तो विदुर से कहे भी नहीं कि आपके यहाँ खाना खाने जाऊंगा। दुर्योधन घर में बात आ गई, साग विदुर घर खाए, सही बात बोले, सही ना। तो भगवान भक्त यहाँ के भूखे रहते हैं, गरीब हो भक्त यहाँ का भोजन कर, चाहे वो सुखर हो कि हो भक्त यहाँ का भोजन करेंगे, बड़े भाव के भूखे, भाव के भूखे होते हैं, ये तुम्हारी संपत्ति के भूखे नहीं रहते, भाव के भूखे। लेकिन संसार तो संपत्ति का भूखा रहता है। हाँ वही है, अब महा तो जानते हैं अब सब चीज़। चित्रकूट में देखो जा करके, किसी आश्रम में देखो जाकर रहो, तुमको रहने के लिए नहीं देंगे, बैठने के लिए बोले जाओ जाओ, रात के यहाँ रहना नहीं है, क्या मैं कैसे आदमी हो, ओला ये लाओ दुनिया के, सब बाउंडर बन गए, नाटक है, नाटक हो गया, नाटक हो गया। तो चलिए ये अभिषंत भगवान हमारे साथ थे, चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
आपसे आज्ञा चाहेंगे। सीताराम सीताराम जय सिया सीताराम।